फ्रेंड्स, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे अपने सैमसंग के फ़ोन में ट्रांसफ़र डाटा को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, यानी यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो जैसे हम अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पर ऑप्शन शो हो जाता है जो कि है सर्चिंग का। तो सिंपली हम इस वाले सर्चिंग वाले ऑप्शन पर टाइप कर लेना है। टाइप के बाद हमको यहाँ पर बी को टाइप कर देना है। बी को टाइप करने के बाद आप देख सकते हैं हमको यहाँ पर ऑप्शन शो हो जाता है जो कि है ये रहा ब्राइट, ठीक है, ब्रिंग डाटा फॉर ओल्ड वो डिवाइस। तो उसके बाद हमको सिंपली दोबारा से यही ऑप्शन मिलता है, तो इस ऑप्शन में हमको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर अपने जो कि ट्रांसफ़र डाटा है उसको यहाँ पर सेंड कर सकते हैं एंड रिसीव कर सकते हैं। तो ऐसे में अपने फ़ोन में क्या कहते हैं सैमसंग जो कि डाटा ट्रांसफ़र है उसका यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो आज की वीडियो पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।